देखिए बेटा, अगर हम बात करें ना कि मोड इन स्पेशल सीरीज, यानी हमारे पास बहुत तरह की सीरीज होती है, तो एक होती है हमारे पास कम्युलेटिव सीरीज, यानी लेस देन मोर देन वाली। वहाँ पर करना क्या, करना कुछ नहीं है, इस कम्युलेटिव सीरीज को यानी लेस देन मोर देन वाली सीरीज को आप चेंज कर दो सिंपल सीरीज में, कॉन्टिन्यूस वाली में हो जाएगा। कैसे? देखो सर, प्यारे बच्चों आपको ये दिया हुआ है, करें साइज बिलो। अरे साइज बिलो का मतलब ये, प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कहना चाहता है साइज बिलो मतलब 5 से कम, ये बोलना चाहता है लेस देन 5। मतलब साइज बिलो का मतलब है कि 5 से कम, 10 से कम, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35। और आपको मैंने समझाया हुआ था कि जब भी हमें ये लेस देन वाली दिया होता है कि लेस देन ये, तो अगर जब ये मुझे लेस देन वाला दिया होता है और मुझे इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है, तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, अपर लिमिट। ये अपर लिमिट बन जाएगी हमारी, ये नहीं आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, खत्म। अब कॉमन सेंस की बात है, हम देख ही रहे हैं इन सब में 5 का डिफरेंस है, ये हम ये भी जानते हैं, या तो 5 के डिफरेंस हम ये भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर ये 30 तो यहाँ आएगा, ये 25 यहाँ पर आएगा, ये 20 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ का लोअर बन जाएगा 15, ठीक है, ये 10 और ये 5, और यहाँ 0 रहा होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग ये भी जानते हो कि जब भी आपको कम्युलेटिव सीरीज में लेस देन वाले को चेंज करना होता फ्रीक्वेंसी में, तो हम देख रहे हैं सारे के सारे बढ़ते हुए क्रम में हैं, तो सबसे ऊपर सबसे छोटा छोटा बंदा आता है, सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर 1। अब ये दूर पे ये 3, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 13 है, फिर 17 है, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करना होता है, बाद वाले में से पहला वाला माइनस, बट माइनस करो 2, फिर 10, कितना 4, फिर 10, 9, फिर 2, 2। अब आ गई दिक्कत, अब आ गई दिक्कत। अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मान के चलो, तो ये जो क्वेश्चन है इसको बेटा हमें चेंज करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड से, ठीक है जी। जो आपके पास जो मेथड गिवन है ना, कौन सा वाला, जो आपके पास इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड जिसे करते हैं, तो इस मेथड से कुछ बाकी, अगर 10, अगर यहाँ पर 10 के जगह और नंबर होता हम कर देते, अब 10 दो बार आ रहा है फ्रिक्वेंसी ना, या तो आप इसको F1 लें, इसको F1 लें, ठीक है जी। तो एग्जाम में ऐसे सॉल्व कुछ पॉसिबल नहीं है, ग्रुपिंग मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है सर। तो अगर ये सिंपल आता, बाकी चेंज हमारे मेरा काम था आपको चेंज करने में, चेंज करके बता दिया, ठीक है। तो अगला करते, है ना, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन था लेस देन वाला, ये था मोर देन वाला। अब मोर देन वाला क्वेश्चन आ गया, हमें बोला जाए कि मोर निकालो। ये क्वेश्चन मैंने आगे इसलिए नहीं किया बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ना, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर लेना होता है, तो यहाँ 10 दो बार आ गया। अब जो आपके सिलेबस मेथड है उसका कोई हो नहीं सकता, मतलब जैसे बोलते कि एक देश का एक ही राजा हो सकता है, बड़ा राजा बहुत सारे हैं, पर एक इंडिया का जो इंडिया है तो इंडिया में एक ही PM हो सकता भाई, है ना, या एक म्यान में एक तलवार आ सकती है, दो तलवार नहीं आ सकती, ठीक है। तो वही चीज है, ये ऐसा था। अब ये मान लो मुझे निकालना है, क्या मुझे मोड निकालना है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल क्लास इंटरवल में, ठीक है सर। ये मोर देन वाला क्या लिखा है, मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 400, मोर देन 500। आपको पहले समझाया गया है कि अगर आपके पास लेस देन वाला आए, लेस देन वाले में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला लिमिट उठाते हैं, है ना। लेस देन वाले में क्या होता है कि ये बन जाती है अपर लिमिट, जबकि जो मोर देन वाला होता है, जो भी हमारे पास मोर देन वाला क्वेश्चन आता है, ये क्या बन जाती है, लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट बन जाएगी 100, ये 200, 300, 400, 500, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है सब में 100 का डिफरेंस है, ये 200, ये 300, यहां पर लिमिट बन जाएगी
चार सौ अपर बन जाएगी, पांच अपर बन जाएगी, 600 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप लोग ये भी समझते हो, आप यहां देख रहे हैं ये चल रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, तो हमेशा क्या करना है, कभी ऊपर बड़ा नंबर नहीं आएगा, यानी सीधा माइनस करना चालू कर दो, 53 से माइनस करो 48, फिर दिस माइनस दिस, फिर ये कितना 19, और ये 11, लास्ट में क्या बचा, खत्म। अब आप निकाल, इसमें आप मोड निकाल सकते हो, है ना। आप क्या देखना पड़ता है, आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ता है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या ढूंढना, आपको देखना कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 19, तो ये पूरा मॉडल क्लास हो गया आपका, ये F1, ये उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। तो सबसे पहले आप लिख दो आपको जो फॉर्मूले में चाहिए होता है, एक आपको चाहिए होता है F1, F1 कितना है 19, F0 कितना है 12, F2 कितना है 11, L1 कितना है, जो लॉ लिमिट ना क्लब मॉडल क्लास की 300, और H कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 100 है। बस कर दो सर आप मोड बराबर, है ना, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस इनटू में H, ठीक है। बट L1 कितना है 300 प्लस F1 19 माइनस 12 है, अच्छा ये कितना है 19 माइनस 12 माइनस इनटू में 300 प्लस, देखो बेटा कितना आएगा, ये 7 19 दूनी 38 कितना आएगा 23, कितना आएगा 12 है नहीं 23 आएगा इनटू में 100, 300 प्लस कितना आएगा, ये कितना आएगा 15 इनटू में 100, ठीक है जी। तो 5 से 15 कितनी बार जाएगा, 20, बड़े कर लेने के बाद कितना आएगा, 41 अपॉन में 3, बड़े अप्रोक्स बताओ इसका कितना कितना आएगा बेटा, 20 25 क्या 346.6, अरे ये कितना है लगभग अप्रोक्स, 3 × 12 कितना बचेगा, 3 × 18 46.6 ना अप्रोक्स, तो ये आएगा 346.6 के अप्रोक्स, इतना अप्रोक्स लिख दिया करो, हाँ जो भी इतना ये हमारा बन जाएगा, ठीक है जी। ये तो हम बात कर रहे थे बेटा मॉडर्न वाले सीरीज में, आगे थोड़ा अनिक्वल वाली होगी, एक्सक्लूसिव वाली भी होगी, इस पर बात करेंगे जी। आप क्या कह रहे थे बेटे, बात करें कि अगर आपको पास कभी दिया मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज का मतलब ये है कि आपको ना पहले ही क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहाँ पर मीन निकाल रहे होते तो आपके लिए दिक्कत वाली बात थी नहीं, कि आपने अगर मीन निकालना होता तो पहले से हमने क्लास वन निकाल रखा है। तो मिड वैल्यू सीरीज में हम क्या करना है बेटा, मिड वैल्यू सीरीज में हमें ये करना होता है प्यारे बच्चों, कि जो आपको मिड वैल्यू दी हुई है आपको इसको पहले चेंज करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। मीन जब मीन वाले में ऐसे क्वेश्चन आया था तो हमने कुछ नहीं किया था, हमने कहा ओ बढ़ गया है, कि मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क, ये होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर में 2, ये मीन के हिसाब से क्लास मार्क है। पर यहां तो हमें मोड चाहिए, तो मोड में आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी इसी का ध्यान दे लेना आप। मीन में हो तो ये XI ये FI और XI FI निकाल दो, पेलना चालू कर दो, पर यहां पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। बेटा तरीका क्या है, देखो बेटा तरीका ये बनता है बेटा, सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो आपके ये मिड वैल्यू चल रहे हैं, इन मिड वैल्यू में डिफरेंस देखो बेटा, हर एक मिड वैल्यू में बेटा कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो हर एक मिड वैल्यू में 10 का डिफरेंस है, है ना, 10 का डिफरेंस, ठीक है। आपको याद होगा जब भी हम मिड वैल्यू निकालते हैं या क्लास मार्क निकालते हैं तो लोअर प्लस अपर अपॉन में 2 होता है, एवरेज आता है। तो जो भी दो लगात, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो ना, मान लो मेरी मिड वैल्यू, जब मिड वैल्यू आते थे ना, देखो मान लो क्लास इंटरवल मान लो 10 से 15, मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
तो अगर जब आप इनका मिड वैल्यू निकालते थे तो बेटा कितना आएगा, 15, ये 25, ये 35। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर यहां पर क्लास साइज 10 है, यहां पर अगर 10 का डिफरेंस है ना, तो यहां पर कितने का डिफरेंस है, 10 का, ठीक है। तो ये बात हम पकड़ चुके हैं कि अगर यहां पर इन सब में डिफरेंस है 10 का, डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि जब लोअर प्लस अपर में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 5। ये जो 5 आया है, ये जो 5 आपको निकाला प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है आपको इस 5 का, कि इस 5 को आपको क्या करना है, इसमें वो 5 आपको जोड़ना भी है और 5 घटाना भी है। इस 5 जो आपका इन सब का डिफरेंस 10-10 चल रहा है, उसको हमने 2 का डिवाइड किया तो 5 आया। तो ये जो आपका नंबर आया है, आपको इस नंबर को एक बार पहले सब में जोड़ो, एक बार घटाओ, मतलब 5 में से घटाओ 5 0 और 5 में जोड़ो 5 10। नया एक बार फिर देख लो, अगले में देखो जरा, इस 5 को सब में से घटाना भी जोड़ना भी है। 15 से घटाओगे 5 और 15 में जोड़ो 5 20। फिर ये 25, इस 25 में भी पहले एक बार 5 घटाएंगे 20, इस 25 में एक बार 5 जोड़ेंगे 30। अब तो हो गया, अब बाकी हम समझ चुके कि यार 10 से 20, 20 से 30, 30 से 20 से 30 ना, तो आप चलता रह गए, क्या आएगा, 30 से 40, 40 से 50 से 60 से 70, लास्ट 70-80 ना, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी ये इन पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये तो बेचारे ऐसे रहते फ्रीक्वेंसी वाले, 15 20 25 24 12 31 71 52, ठीक है जी। अब यहाँ सब ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये F1, ये F0, यहाँ सब निकाल, आप तो निकाल सकते हैं आप। अगर मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ तो इस सवाल के साथ 9 साफ ही होगी, ठीक है। क्यों, वो आपने नहीं किया ना, वो चाहता कि मैं अपने भाइयों के हाथों से हूँ, बहनों के हाथों से हूँ, हम सोल्व कराते तो अत्याचार होता उसके ऊपर, ठीक है। ये इसमें ऐसे करना आपको, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं अगले की तरफ। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जब हमारे पास जब इंक्लूसिव सीरीज आई थी ना, और जब उस टाइम हम क्या निकाल लेते, मीन, जब मीन निकालते टाइम हम इंक्लूसिव सीरीज में हमने कुछ चेंज किया था नहीं, मीन निकालते टाइम हम किसी में चेंज नहीं कर रहे थे, किसी में चेंज नहीं कर रहे थे हम, किसी में भी नहीं, बस अब इसमें तो चेंज करना ही पड़ेगा यार, ये सॉरी उसमें, किसमें, लेस देन मोर देन वाले में, लेस देन मोर देन वाले में चेंज किया था बस हमने, जब मीन निकाल लेते, इस बात का ध्यान रखें। पर अब जब हम मोड निकाल रहे हैं तो मोड निकालते टाइम लगभग सब में चेंज कर रहे हैं हम, हमने मिड वैल्यू में चेंज किया तो अब यहाँ भी चेंज करेंगे हम, तो मतलब ये आपका इंक्लूसिव सीरीज है, तो आपको सर चेंज तो करना पड़ेगा अगर आपको मोड निकालना है, तो सबसे पहले आपको इंक्लूसिव सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सर, क्लास इंटरवल हरी फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। तो जब भी आपको इंक्लूसिव सीरीज को है ना नॉर्मल सीरीज मतलब एक्स सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, आप लोग जानते हो कि बस आपको एक चीज करना पड़ता है कि जो पहला वाला है बट उसमें क्या करना पड़ता है, 0.5 का करना पड़ता है, और इसमें मतलब जब भी आपको इस तरह की सीरीज को एक्सक्लूसिव वाले में चेंज करना पड़ता है, तो आम भाषा में ये बोलें कि पहले वाले में से आधा घटा दो, हर एक के लोअर लिमिट से घटाओ आधा, अपर में जोड़ो आधा, हाफ लेस हाफ ऐड, हाफ लेस हाफ ऐड, और हाफ का मतलब होता है 0.5 हाफ, क्योंकि हाफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता पूरे पे, है ना, हाफ पियोगे फर्क पड़ेगा, है ना, हाफ से तो यहां कुछ, तो हाफ का मतलब 0.5, तो 0.5 माइनस करो 0.5 इसमें ऐड करो, इसमें 0.5 माइनस करोगे 0.5 ऐड करोगे। अब एक चीज देख रहे हो आप, पहले जहां इनका क्लास साइज 9 था, अब क्या हो गया 10, अब 10 नहीं हो गया 49 और ये 39 हो गया लगभग ना, ठीक है। इसमें आधा माइनस, इसमें आधा प्लस, 0.5 माइनस करो 0.5 ऐड करो,
40 में से 0.5 माइनस करोगे 49.5, 0.5 ऐड करोगे 59.5, ठीक है, 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 माइनस करो 59.5, 0.5 ऐड करो 59.5। अब देखो, अब आप समझदार हो चुके हो, यहां बचपन में थे, अब आ चुके हो 15 साल के 18 साल के, तो अब अपने माँ बाप को बोलते हो ना आप, नहीं नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, अब मैं अपने बारे में खुद सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ। तो यही वहां पर है, यहां पर आप ऑब्जर्व करो, देखो सिंपल देखो, यानी 39 से 49, 49 से 59, 59 से 69, सब अगला क्या होगा 69.5 से, अगला 79.5 से, 5 से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, उसको कुछ करना ही नहीं है। 12, 30, 24, 2, ठीक है जी, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये F1, F0, ठीक है जी, बाकी सब खुद कर सकते हैं आप। एक बार यहां देखिए, आपके पास लास्ट टाइप है मोड निकालने का, जहां पर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा। तो बेटा आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो 0 से 10 क्लास साइज है 10, 10 से 20 क्लास साइज 10, 20 से 40 20 है क्लास साइज 20 हो गया, यहां पर क्लास साइज 20 है, यहां पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो यानी लगभग सब में चल रहा है 10-10 का क्लास साइज, और इसमें इन दोनों में चल रहा है 20 का, तो ऐसे वालों को भी चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब आप देख रहे हो कि मोड में आपको चेंज करना ही पड़ेगा सबको। तो करो क्या बेटा, सबके क्लास साइज को आप लाओ 10-10 पे, मतलब इसको ऐसा बना दो आप सीधा, यहाँ लिख दो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये आ गया बेटा, ठीक है सर। फिर सर फ्रीक्वेंसी क्या करना है, रुको, 0 से 10 10 था, 10 से 20 10 से 20 जो था 14, सर 20 से 30 तो था ही नहीं, तो 20 से 40 था, मैंने इसको बना दिया 10, 20 से 30 और 30 से 40 बना दिया, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को भी दो इक्वल पार्ट में तोड़ दो आप, तो 40 है ना, 20-20 कर दो, 20 और 20, फिर 40 से 50 इधर ऐसे ही है, कितना 35, 50 से 60 है, 50 से 60 है ना, तो ये 50 से 70 था, तो यहाँ 42 है, यहाँ 50 से 70 था, मैंने इसको 50 से 60, 60 70 कर दिया, ठीक है, तो ये 42 दे रखा है ना, तो इसको दो आधे पार्ट में तोड़ दो, 21-21, और 60-80 कितना हो, ये 10 ही है। अब कोई बच्चा बोलता भैया अगर 30 का डिफरेंस होता, कहीं क्या होता 30 का, मतलब यहाँ तो क्लास साइज कितना था 20, यहाँ क्लास साइज 20, अगर क्लास साइज 30 होता तो तीन पार्ट में तोड़ दो उसको इक्वल, बस। अब सर यहाँ पर आप देख लो फ्रीक्वेंसी है ना, F1 क्या हो गया, ये F0, ये F2, बाकी आप कर सकते हैं। अजू बेटा 20 को तोड़ा, 40 को दो पार्ट में तोड़ दिया ना, क्या पता कोई 21 हो, कोई 19 हो, आधा उसके आधा कर दो ना, हर एक का आधा तो हो ही सकता है, अगर यहाँ 19 होता, अरे नहीं क्या पता उसमें टूट रहे हो 19 और 20 की फ्रीक्वेंसी पे, 21 और 19 में टूट रहे हो फ्रीक्वेंसी।